उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की एंट्री पूर्वी उत्तर प्रदेश से कराने की तैयारी कांग्रेस ने की, और जिस तरह से कल उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसके बाद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनको यानी प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ाने की मांग तेजी पकड़ रही है। आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। इन्होंने पोस्टर्स जारी किए हैं, काशी की जनता करे पुकार, प्रियंका गांधी सांसद हमार, यानी भोजपुरी का जो एक टोन है वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस ने इस पोस्टर में देकर यह संदेश दे दिया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे जानेंगे, राघवेंद्र जी क्या है इस पोस्टर की कहानी और क्यों ये पोस्टर जारी हुआ? ये पोस्टर इसलिए जारी हुआ है कि काशी के आमजन कल से, जब से सूचना मिली है, काशी और कांग्रेस के लोगों के लिए होली, दीपावली और ईद के समान की खुशी मिली है, और हम ये काशी की आम जन भावना, कार्यकर्ताओं की भावना को इस पोस्टर के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचाने के लिए पोस्टर लगाए हैं कि प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ा करके, जो एक हम सोशल मीडिया पे हम कांग्रेस के भाई लड़ाई भी लड़ते आए हैं भाजपा के लोगों से कि मोदी की लंका ढाएगी प्रियंका, इसको हम लोग को यथार्थ करने का मौका राहुल गांधी से हम लोगों ने मांगने का काम किया। अब देख सकते हैं नारे भी बनने शुरू हो गए हैं, मोदी की लंका ढाएगी प्रियंका और प्रियंका गांधी हो सांसद हमार, यानी प्रियंका गांधी की एंट्री पूर्वी उत्तर प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक ले जाने की जो कांग्रेस की तैयारी है उसको वाराणसी से आवाज बुलंद करके और मजबूत किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश प्रियंका की एंट्री के बाद बढ़ गया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इस जो अपनी प्लानिंग को और किस हद तक आगे ले जाती है। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।